नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। साल 2024 में सियासी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। आम चुनाव बेहद खास रहने वाले और इसकी तैयारी सर्वोच्च स्तर पर की जाएगी, कम से कम बीजेपी की तरफ से तो ये कंफर्म है। हालांकि कांग्रेस भी यही दावा कर रही है, अन्य विपक्षी पार्टियां भी, या फिर कहें कि कांग्रेस जमा विपक्षी बराबर INDI गठबंधन कुछ ऐसे ही दावे कर रही है। वो बात अलग है कि आम आदमी पार्टी कहती है कि अब मां अपने बच्चों को छोटी, सबसे छोटी कहानी क्या सुनाएगी, कहानी सुनाएगी एक थी कांग्रेस। तो कांग्रेस कह रही है कि मां अपने बच्चों को कहानी सुनाएगी एक थी आम आदमी पार्टी, जिसके 40-50 नेता जेल में है और बाकी जेल जाने की तैयारी में। वही ममता बनर्जी पूछ रही कि हमारे अंगने में बाकी सबका क्या काम। लेकिन इससे इतर बीजेपी बैक टू बैक मीटिंग कर रही है, चुनाव की रणनीति बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर आ रहे हैं, 3 दिन रुकेंगे, संगठन की बैठकों में शामिल होंगे। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर होने वाली DIG, DGIG की बैठक के अंदर वो हिस्सा लेंगे, साथ में संगठन को जीत का मंत्र देंगे, या कहें कि मोदी मंत्र देंगे। यानी बीजेपी चुनाव लड़ाने रणनीति बनाने में बाकियों से क्या वाकई सच में कई कदम आगे चल रही है, और मोदी के दौरे का राजस्थान की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, आज बात इसी मुद्दे पर कि 2024 की जंग, बीजेपी तैयार, INDIE गठबंधन में कौन दूर कौन संग। प्रधानमंत्री जयपुर आ रहे हैं, पहले प्रोग्राम था कि वो 6 तारीख को आएंगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है और पता चल रहा है कि 5 तारीख को शाम को आएंगे। संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे, मोदी मंत्र देंगे, लेकिन उसका राजस्थान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और विपक्ष के मुकाबले क्या बीजेपी वाकई में 4 कदम आगे चल रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रधानमंत्री मोदी 5 तारीख को आ रहे हैं, संगठन की बैठक लेंगे, 3 घंटे के आसपास मीटिंग चलेगी, मानकर चले कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी अघोषित तौर पर घोषणा कर जाएंगे कि अब लग जाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी वो राजस्थान में आए तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तो अभी उनसे आग्रह करेगा कि वो पार्टी की किसी मीटिंग में भाग लें, अगर उनके पास समय होगा तो वो उसमें जरूर भाग लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बैठक प्रस्ताव तय नहीं है जी। लेकिन ये बात सही है आपकी कि देश और दुनिया में जितने मोदी लोकप्रिय हैं वो तो सारी दुनिया देखती है, लेकिन अद्वितीय रूप से राजस्थान में वो लोकप्रिय हैं, इसका परिणाम आपने पिछले चुनाव में देखा है। और जितने चुनाव में राजस्थान में मोदी जहां जिस रैली करने गए, लाखों की संख्या में उनको लोग सुनने आए, और जयपुर के रोड शो में आपने देखा कि किस तरह पूरा जयपुर उनको देखने और सुनने के लिए यहां एकत्रित हो गया था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी उनके किसी भी अवसर में शामिल होने का मौका भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को दे। मैं आपको अच्छा, कोई ऐसा प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से भेजा गया प्रधानमंत्री को कि आप आ रहे हैं तो कम से कम एक बैठक तो लीजिए? देखिए, वो तो आग्रह हम तो कंफर्म ही कर रहे हैं कि हाँ वो बैठक का हिस्सा, पार्टी तो आग्रह उनसे हमेशा ही करती है कि जो सरकारी कार्यक्रम है उनमें से अगर कोई समय मिल जाए तो पार्टी के किसी कार्यक्रम में अगर वो शामिल होते हैं तो पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चाहता है, क्योंकि देश और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कहीं भी जाते हैं तो उसका लाभ पार्टी को होता ही होता है। लेकिन आपने दूसरा सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है। देखिए, हमारी पार्टी 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहने वाला दल है। हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है, पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश तक का संगठन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन महामंत्री से लेकर सब लोग रात और दिन पार्टी कैसे मजबूत हो इसके लिए काम करते हैं और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर सकती है उसको लेकर जाने का काम। अच्छा, वैसे ही मैं पूछ रहा हूं, काम करने के लिए तैयार है? काम करने के लिए तो विभाग होते हैं ना, और विभाग के मंत्री होते हैं। अब हमारे पास मंत्री तो है, लेकिन किसके पास कौन सा विभाग और कौन क्या काम संभाल रहा है मुझे जानकारी नहीं, आप दे पाएंगे? राजस्थान में आपको किसी तरह की कमी नजर आ रही है पिछले सरकार की तुलना में? जिनके पास पूरा मंत्रिमंडल 5 साल तक चला, उस सरकार की तुलना में आज 20 दिन हुए सरकार बने हुए, किस तरीके से काम कर रही है उसमें आपको कमी नजर आ रही है? अगर 2 दिन किसी चीज में विलंब होता है, दो दिन अगर उससे 2 दिन
दो दिन अगर किसी चीज में विलंब होता है और उसमें कुछ अच्छा निकल कर आता है तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजस्थान की सरकार ने जो बोधी की गारंटी देकर गए, अगर कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग नहीं दिए जाएंगे, आपको लग रहा है जनता के काम सरलता से होते रहेंगे? मैंने फिर जरूरत क्या है? मैंने आपको कहा पिछली बार भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी 15 दिन लग गए थे मंत्रिमंडल के शपथ उसमें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको कि अगर दो दिन विलंब के बावजूद भी अगर कोई अच्छा निर्णय होता है और योग्य लोगों को योग्य प्रशासन मिलता है तो इसमें किसी तरह की किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मोदी जी जो गारंटी राजस्थान की जनता को देकर गए थे, जो राजस्थान की जनता से वादा करके गए थे, ये पहली सरकार है जिसने सरकार बनने के 15 दिन में उन गारंटियों को पूरा करना शुरू किया। वरना तो सरकारें राजस्थान ऐसी भी देखी हैं जो 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने वाले थे। जैसे उदाहरण दीजिए, चले गए 54 किसी की माफ की नहीं। उदाहरण दीजिए, जैसे हमने 450 रुपए में सिलेंडर की गारंटी दी थी, ठीक है, आज गारंटी पूरी हो गई। हमने SIT बनाने का पेपर लीक के ऊपर SIT बनाने के बाद गारंटी दी थी, हमने SIT बनाई। संगठित अपराध के खिलाफ SIT बनाने की बात की थी, हमने संगठित अपराध के खिलाफ SIT बनाई। ERCP पे काम करने की बात की थी, ERCP पे हमने मीटिंग शुरू कर दी, उस पे काम होना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच मीटिंग शुरू हो गई। ERCP पर काम शुरू नहीं है, नहर जोड़ो परियोजना पर काम शुरू है, दोनों बहुत अलग है। जो नहीं, हमने दोनों का विस्तृत रूप जनता के बीच में लेकर गए थे। जो कांग्रेस का प्रपोजल था, वो कांग्रेस का प्रपोजल कितने लोगों को लाभ दे रहा था और उसमें क्या अड़चने आ रही थी, उसके उसका दूसरा प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जन लोगों को दिया था, ना केवल चुनाव में जनता को दिया था बल्कि उस तब की सरकार को भी दिया था कि इस तरीके से आप राजस्थान में बेहतर तरीके से ERCP को लागू कर सकते हो। ERCP नहीं कहे ना उसको, नहर जोड़ो परियोजना कहे ना। हमने उस वक्त जो नाम था उसका जिक्र किया क्योंकि उस वक्त उसी की गारंटी दी थी। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि इतने बड़े बड़े वादे, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए, 15 से 20 दिन के बीच में पूरा करना शुरू कर दिया, तो आप ये मानकर चलिए कि सरकार कितने बेहतर तरीके से। मुद्दे पर वापस लौटता हूँ, प्रधानमंत्री क्या वाकई में एक बैठक लेंगे और इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि भाई कैसे काम करना है? देखिए, मैं अभी इस पे आराम नहीं कह सकता। मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आ जाए तब हम आपको कंफर्म कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी चार कदम आगे चाहते हैं कि वो आए। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए मुझे लगता है कि 6 महीने पहले से एक्टिव हो चुकी है। कांग्रेस इस कंफ्यूजन में है कि भाई अकेले चुनाव लड़ना है, अगर अकेले चुनाव लड़ना है तो कहां कहां लड़ना है, गठबंधन में कहां चुनाव लड़ना है, कितनी सीट शेयरिंग देनी है, चेहरा कौन होगा, क्या इससे निकला जा सकता है? अगर इससे निकलेंगे नहीं तो फाइट में कैसे आएंगे? देखिए विजेंद्र जी, पहले मैं लक्ष्मीकांत जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने उनसे सवाल किया कि आज 27 दिन तो इन्हें कैबिनेट फॉर्म करने में लग गया कि कौन मंत्री बनेगा, क्योंकि जो हम कहते थे लगातार गुटबाजी चरम पे है और वो गुटबाजी भी इसमें दिक्कत करी। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं लगातार देख रहा था कि इस समय महानिरीक्षकों की प्रेस यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है सारे लोगों की, तो ये एक बहुत ऐसे समय हो रही है कि जब से इनकी सरकार आई है हमने देखा कहीं महिलाओं को राजधानी में रौंदा जा रहा है, कहीं दलित महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं चैन स्नैचिंग बीच सड़क पे लेके भाग रहे हैं। नहीं, ये अपराध बहुत बड़े कह रहा हूं क्योंकि नंबर 1 था राजस्थान। नहीं नहीं, किसी अभी एनसीआरबी नंबर 1 था राजस्थान, ये तो इन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट रोकी हुई थी। अभी कल ही एनसीआरबी के आंकड़े आए कि 55% महिलाओं में जो अत्याचार है, अगर ये बातें जनता के जहन में होती, अगर ये बातें जनता के जहन में होती तो सत्ता से बाहर नहीं होती। मैं कह रहा हूं कि लगातार मैंने हम फोटो पीछे लगाया, जरा दिखाइए इसको। केवल 7 दिन की घटनाओं के बारे में बात करना चाह रहा हूं। इस सर्कल के अंदर किसी भीड़ द्वारा महिला को पीटा जा रहा है। सुनिए ना, इस सर्कल के अंदर मैं समझ नहीं पाया कितने चेहरे और जोड़ दूं, मेरा सर्कल भर गया। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से किसी एक चेहरे को चुनकर बताइए भाई उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी इतने सही समय आ रहे हैं क्योंकि यहाँ जो सारे जो काम हो रहे हैं वो पर्ची के आधार पे हो रहे हैं। जब मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ तो पर्ची के आधार पे हुआ, मुख्यमंत्री जी कैबिनेट बनाने गए तो पर्ची पे, अभी विभागों का बंटवारा भी पर्ची पे होना था। अच्छी बात है ना भाई, अच्छा है ना, इतनी अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं हुआ कि दिल्ली से पर्ची लेकर आए और 25 सितंबर को सारे भाग गए, फिर पहुंच गए कहीं इस्तीफा देने के लिए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। अरे पर्ची वैसे ही डिजिटल इंडिया में, तो पर्ची वैसे ही व्हाट्सएप पे मंगा सकते हो। कम से कम ये जनता आज 1 महीने से विभागों के बंटवारे के कारण कहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक पर्ची आपकी भी आई थी 25 सितंबर को, सब गायब हो गए। मैं कह रहा हूँ कि ये पर्ची पे जो सरकार चल रही है, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि अब मोदी जी पर्ची का जिक्र कर रहा हूँ, मोदी जी आके यही पर्ची पकड़ा देंगे। आपकी मजबूती की बात कर रहा हूँ, जो अपराध हो रहे हैं उनपे कोई लगाम लगेगी। अगर अच्छा बीजेपी से लड़ना है नहीं लड़ना, चुनाव लड़ना है ना, आप मेरी बात ही नहीं रखने देंगे। लड़ना है नहीं लड़ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी गारंटी देंगे, नेतृत्व में लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने जो गारंटी दी थी वो आके समीक्षा करेंगे। इन्होंने बोला था पेट्रोल डीजल हरियाणा से सस्ता होगा, अब ये केवल सस्ता करने की, ये जो पलटी मारने लगे ERCP RPSC को तुरंत बंद करेंगे। आप ये RPSC की बहुत बढ़ाइया करने लगे कि उसी से सारे एग्जाम हो जाए, ये मैं इनके वादे गिरा रहा हूं। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, उसको ये नदी जोड़ी परियोजना बनाने लगे।
तो मैम इन्होंने महिला अत्याचार पे जो गई थी, आज इनके बड़े नेताओं के मुंह पे अब दही जम गया है जिस तरीके के। ठीक है, नितिन मुद्दे पर आ जाए वापस। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को चुनाव तो लड़ना ही है ना, कोई संकोच नहीं इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, कोई चेहरा है भी या नहीं, मुझे समझौता कब तक होगा? मैं बिल्कुल विजय जी, आपको शायद मुझे लगता है कि वो कुछ न्यूज़ छूट गई हैं। लगातार जो हमारे नेता हैं वो किस हर जो प्रदेश की कार्य समिति है उससे चर्चाएं कर रहे हैं, सीट शेयरिंग पे लगभग आधे से ज्यादा प्रदेशों पे बातचीत हो चुकी है। वो अपना नहीं, मैं तो अपडेट हूँ सर, चार बैठके हुई है, चौथी बैठक के बाद समोसा ही खिला सके, पूरा होमवर्क पूरा कर लिया है, सब जगह बातचीत हो रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि फेस से ज्यादा एजेंडा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं आज देश में 55 लाख करोड़ का कर्जा, 9 साल में 205 लाख करोड़ होगा, और IMF अलर्ट कर रहा है कि देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। रोजगार की यह हालत है कि जो पकोड़े तलने को रोजगार कहा जाता था वो गैस सिलेंडर हर महीने महंगा होता जा रहा है। उसके अलावा का है अभी 900 रुपए का है, 906 का है शायद, अगर मैं गलत नहीं बात कर रहा हूं। मैं कमर्शियल सिलेंडर, पकौड़े तलने तो कमर्शियल सिलेंडर में तलना पड़ेगा भाई साहब, वैसे निकल सकते। उसके अलावा आप कैग में करप्शन हुआ, तमाम भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। किसानों की जो बात करने वाले थे, MSP क्या जो बोलते थे कि कानून बनेगा, MSP पे कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जो अब किसान की आय 32 रुपए हुआ करती थी, दुगना करने की बात करते हैं 2022 में 27 रुपए। महेश शर्मा जी, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लग रहा है, अब मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, कि चुनाव मुद्दों से ज्यादा मोदी बनाम जो भी चेहरा होगा उसके आधार पर लड़ा जाएगा। बीजेपी उस स्टेज को देश में क्रॉस कर चुकी है जहां बीजेपी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े, वो चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ रही है, और उस चेहरे के नजदीक कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपकी मैं बात से बिल्कुल सहमत हूं जी। अब सवाल ये आता है कि ये पूरी तरह से अभी अगर देखा जाए तो अभी जो इनका जो गठबंधन बनने वाला है उसमें कई मतलब शंकाएं हैं, आपत्तियां जताई जा रही है जो भी सदस्य हैं इसके, और वो जिस तरह से दिखाई जा रहा है तो वो ऐसा लग रहा है कि विपक्षी एकता पे भी मतलब क्या कहते हैं संकट के बादल नहीं आ जाए, क्योंकि सीटों के बंटवारे के दौरान एकता कहाँ है। मैं चार बड़ी पार्टियां गिना रहा हूं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर या बिहार के अंदर आप ले लीजिए नीतीश को, इधर से TMC पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कह रही है इधर देखिए ही नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि माँ अपने बच्चों को कहानी सुनाएगी, सबसे छोटी कहानी एक थी कांग्रेस। कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी के लिए कि भाई 40% अंदर जेल में, बाकी जेल जाने की तैयारी में, गठबंधन कहां है? देखिए मोदी हो या बीजेपी, अगर इनसे मुकाबला कर रहा है कांग्रेस को तो एक मुखी होकर के ही पूरे विपक्ष को दाव लगाना पड़ेगा जी, एक चीज। दूसरा, जो भी जो तैयारी प्रधानमंत्री की जो यहाँ राजस्थान की जो यात्रा है, तो निश्चित रूप से यह है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर की है, और साथ साथ ही एक जो पूरे देश में जो DGP की जो मतलब बैठक हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, तो उसका मैसेज देना है कि कानून व्यवस्था को किस तरह से हम आंतरिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, इसको किस तरह से, जैसे जम्मू कश्मीर में। इसलिए सवाल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री का 3 दिन का दौरा भी प्रधानमंत्री के चेहरे को देश के अंदर और मजबूत करने की स्थिति में नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बैठक का हिस्सा हो रहे हैं, अजीत डोभाल को साथ लेकर आ रहे हैं, और वहां से मैसेज जाएगा कि भाई बाहर नहीं, अंदर भी जो आंतरिक सुरक्षा का खतरा है उसको लेकर भी मोदी गंभीर है, ये महत्वपूर्ण है, और चुनाव को लेकर तो वो गंभीर है ही। देखिए आपने देखा होगा चुनाव अभियान दौरान जो कांग्रेस ने जो एक मुद्दा बनाया था कि क्या मुख्य PM का पद छोड़ करके प्रधानमंत्री या CM बन जाएंगे क्या राजस्थान के जी, ये एक उन्होंने बात कही थी, प्रियंका गांधी ने भी कही थी इस चीज को लेकर के, और दूसरे नेताओं ने भी कही थी। तो वो ये चीज भी मतलब क्या कहता ना, ये सटीक है कि PM का चेहरा ही अगले वाले जो चुनाव में जो है लोकसभा का, वो उनके नेतृत्व को लेकर के ही चुनाव लड़ा जाएगा, और इसकी तैयारी चल रही है। लक्ष्मीकांत जी, यहीं से मेरा सवाल है, क्या वाकई में लगातार ये एक्सरसाइज हो रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो फेस लार्जर देन द लाइफ है, वो जो बन चुका है, उसको और कितना विराट किया जा सकता है? कमल बहुत पीछे छूट गया, मुझे लगता है आपके होर्डिंग पोस्टर देख लीजिएगा, कमल छोटा सा रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी बड़े रहेंगे। बीजेपी का नाम छोटा सा रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी बड़े रहेंगे, और वो स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री के पैरेलल ही नजर आने लग गए।
देखिए विजेंद्र जी, खुद प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अनेकों मंचों से पार्टी को अपनी मां बताया है, लेकिन ये बात कोई भी देश में अस्वीकार नहीं करेगा कि भारत के आज के प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और ना केवल है बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी को ऐसे ऐसे राज्यों में चुनाव जिताया जहां भारतीय जनता पार्टी कभी खड़ी होने की स्थिति में भी नहीं थी। ना केवल वहां जिताया बल्कि लगातार दो बार से वो पूरे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। ना केवल हुए हैं बल्कि आगे बढ़ाकर, पिछली बार 2014 में हमारी 282 सीटें आई थी तो अब 303 सीटें जीत कर आए और अब 350 400 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं आपको कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम ही पार्टी कह रहे हैं, मुझे लग रहा है लोकसभा का चुनाव तो एनडीए लड़ेगा या मानकर चल रहे हैं कि एनडीए में बहुत ज्यादा अस्तित्व तो किसी का बचा नहीं। देखिए राजस्थान की अगर बात करेंगे तो हम 25 सीटें 2014 में जीते थे, 25 सीटें हम जीते 2019 में, 24 हम जीते, एक हमारे जिनको हमने समर्थन दिया वो जीते, वो लड़े वो भी जीते, हमारा कार्यकर्ता लड़ा वो भी जीतता, और आज की आज स्थिति में 25 की 25 सीटों पर कोई मुकाबला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक तरफा चुनाव जीत रही है 25 सीटों के साथ, ना केवल राजस्थान में बल्कि जितने देश के प्रांतों में चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा के सब जगह जहां होने जा रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक सवाल है मेरा, आपके सात सांसद चुनावी मैदान में उतरे थे जी, तीन हार गए, आपके सांसद हार गए विधानसभा का चुनाव, ऐसी स्थिति में क्या वाकई में आप यह कहने की स्थिति में है कि 25 के 25 चुनाव हम जीत जाएंगे? हमारा जब आठ में से एक विधानसभा सांसद ना जीत पाए, आठ विधानसभा आती है एक लोकसभा के अंतर्गत, विजेंद्र जी में 115 सीटों पे चुनाव जीते हैं और 115 सीटों पे जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं, तो चुनाव वो भी जीत कर आए हैं, जो सांसद जीते थे वो भी सामान्य कार्यकर्ता थे, तो जो 115 जीते वो इम्पोर्टेंट है और उनमें से जो जीत कर आए जो तीन हारे वो महत्वपूर्ण बचे नहीं है। जो जीते हैं वो कौन है? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं कह रहा हूं जो तीन सांसद हार गए अब वो महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा है भाई साहब कि जो क्या वो लोकसभा में वापस लड़ेंगे ये तो पार्टी तय करेगी, उसको आज ही मैं यहाँ कैसे कह सकता हूँ? जो चुनाव जीतने वाला होगा, पार्टी के विचार को मानने वाला होगा, वो चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। अच्छा, इस बात से तो कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना नहीं आता, इस बात से तो कोई इंकार नहीं कर सकता हमें चुनाव जीतना नहीं आता, तो हमें जीतने का जो फार्मूला पता है, जब हमें पता है कि कैसे चुनाव लड़ेगा तो हम जीतेंगे लड़ेंगे। फार्मूला क्या है? हम आपको क्यों नहीं बता, आपको थोड़ी नहीं बताएंगे फार्मूला, जब लड़ेंगे तब देखो आप। फार्मूला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी आए थे विधानसभा के चुनाव में और आए और जीता कर ले गए, आप देखिएगा अभी जीते 25 में से अगर एक जगह भी मुकाबले की भी स्थिति हो तो आप बता दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भारी पड़ रहा है। अरे आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री को और बीजेपी को? बीजेपी से अलग है प्रधानमंत्री, आप ही तो कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मैं कब कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री बीजेपी से अलग है क्या? वो बीजेपी के कार्यकर्ता है और 50 बार उन्होंने अनेकों मंचों से कहा है, तो आप बीजेपी और प्रधानमंत्री को अलग करके कैसे देख सकते हैं? प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पद का चेहरा है और वो इतने लोकप्रिय है कि उनके नाम पर वोट मिलता है, इसमें किसी को इनकार करने का आवश्यकता? बीजेपी का या एनडीए का, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल एनडीए का है, जहां जहां हमारा गठबंधन है जिन दलों के साथ, वहां उनको भी वोट प्रधानमंत्री के कारण मिलता है। संकोच नहीं होना चाहिए विपक्ष में कि जो भी लड़ाई होगी वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ। देखिए और उसके लिए अगर चेहरा नहीं होगा ना तो लड़ाई बेहद मुश्किल होगी। हालांकि मैं ये कहने की स्थिति में भी नहीं कि चेहरा आप ढूंढ कर लाएंगे, उस चेहरे के पीछे आपके ही कितने नेता खड़े रहेंगे। देखिए विजयन जी, सबसे पहली बात तो ये जो अभी पूरी डिबेट में था कि आत्ममुक्ता का इस तरीके का आत्ममुक्ता हावी हो चुकी है कि ये मुद्दों को गौण कर चुके हैं, इनको लगता है मुद्दा है ही नहीं। इन्होंने अभी ये बोला कि हमारी जगह हमारे साथ जो लड़ा अगर उसकी जगह कोई भी लड़ता वो भी जीतता। इन्होंने कहा कि जो हमारे साथ आएगा वो जीतेगा, नहीं आएगा तो नहीं जीतेगा। इन्होंने खुद अपने जो गठबंधन के साथी है उनको कमजोर करने का काम किया, बिल्कुल आपके सामने इन्होंने स्वीकार किया है कि हमारी जगह कोई किसी को भी हम खड़ा कर देंगे वो जीतेगा। इसलिए देश का प्रधानमंत्री है, मुद्दा है ना हमारे लिए, हमारे लिए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब देखिए मुझे लगता है कि 2019 का जो चुनाव हुआ था उस समय इन्होंने जिस तरीके से एक जो पुलवामा का अटैक हुआ और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक मंच पे रख के बोला कि ये 40 सैनिकों की शहादत के नाम पे मुझे वोट दीजिए, वो माहौल अलग था। मुझे लगता है कि कल ही आपने देखा कि जिस तरीके से हिट एंड रन का कानून लागू किया और जनता सड़कों पे उतरी, आपने जिस तरीके से देखा अग्निवीर का इन्होंने कानून अग्निवीर स्कीम लेके आए, युवा परेशान हुआ और वो पैदल चल के पहुंचे। मैं ये कह रहा हूं अगर
कोई अगर ये कर्ज हो गया, अगर 205 लाख करोड़ का कर्ज होगा, मुद्दा नहीं है। कल एक किसानों के लिए काला कानून बनता है, किसी अरबपति के कहने पे, किसी एनआरआई के कहने पे, ये मुद्दा नहीं है। कल आपके टॉप लीडर ने एक ट्वीट किया नितिन, कल आपके टॉप लीडर ने एक ट्वीट किया, ट्वीट ये किया कि अगर नहीं पढ़ के भेज रहे हो तो क्या करोगे, माफी मांगोगे क्या? माफी मांगोगे क्या? ये मेरा खुद का है लिखा हुआ। अभी क्या बात कर रहे हो? एक मिनट, इनका एजेंडा केवल भटकाना और अटकाना, और इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। गांधी लोकसभा का चुनाव कितने वोटों से हारे थे? मैं ये कह रहा हूँ आपको, वोटों से हारे थे क्या? वायनाड से जीते हैं, लोकसभा के अंदर है वो, कितने लोग लोकसभा के अंदर है आपके यहाँ पे? आपको पता है प्रतिपक्ष का नेता कितने वोटों से आ रहा? प्रतिपक्ष का नेता कितना बेटा आ रहा? पूर्व अध्यक्ष कितने वोटों से आ रहा? जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है उसके यहाँ पे कितने वोटों से हारे बताओ ना? कितने लोग कितने वोटों से हारे आपको पता है? दिन भर केवल झूठ बोल रहे हो। 17 मंत्री हारे प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष नेता अपनी सीट छोड़ के क्यों भागा? कितने वोटों से हारा? पूर्व अध्यक्ष कितने वोटों से हारा? और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीट पे कितने वोटों से हारे? एक मिनट, मैंने प्रोग्राम आत्ममंथन के लिए किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कमियां तो सबको ही पता है। हम तो ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, इन्होंने मुझसे पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, मुझे कंक्लूड करनी है डिबेट। नितिन, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या इस गठबंधन का कोई एक स्पष्ट चेहरा होगा? देखिए, इस गठबंधन का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जनता, सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, चाहे आईआईटी बीएचयू में ब्रजभूषण चाहते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए नहीं, महिलाओं को शामिल और उन्हें सत्ता बचाती है, उनके खिलाफ हमारे मुद्दे है, रोजगार हमारा मुद्दा है। दूर बैठे महेश शर्मा जी भाई, हम जनवरी में प्रवेश कर गए हैं और 2024 में अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं। क्या अगर मैं ये कहूं कि अब यहां से बीजेपी के टॉप लीडरशिप, उसमें मैं गिन देता हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यहां कर मैं रुक जाता हूं, क्योंकि उसके बाद की फहरिस्त बहुत लंबी भी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है, क्या इनकी सक्रियता उन तमाम राज्यों में नजर आएगी जहां बीजेपी को लग रहा है कि सीटें फंस सकती है? क्योंकि उत्तर भारत की पट्टी है ना, उसमें बीजेपी एक्सट्रीम कंडीशन पर बैठी है, जहां पाने के लिए कुछ नहीं है, एक्सट्रीम पा चुकी है, तो वहां और मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या यह मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी खुद संभालेंगे और राजस्थान का दौरा इसी की तरफ अंकित है? सही है, जो आपका आकलन बिल्कुल सही है कि वो जो जिस तरह का जो दौरा हो रहा है, और साथ साथ ही जिस तरह से राम मंदिर और दक्षिण को जोड़ने की जो है, जो वहां पे जो भी है, वहां पे भी बड़ा इस बार मतलब क्या कहते हैं बीजेपी वहां पे भी अच्छा मुकाबला करने की स्थिति में आने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री के 2 दिन के दौरे वहां के लिए भी तय हैं जी। इस दौरान ही चुनाव होने से अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन ये कह रहा हूं कि उससे भी पहले से वो तैयारी किए हुए हैं। राम मंदिर का है ये मामला है, या तमिलनाडु को मतलब क्या कहते हैं काशी से मिलाने का है, जिस तरह के जो हो रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं यह है कि बीजेपी अब दक्षिण में पूरी तरह से पेट लगाने के लिए जुट गई है जी। अब देखना यह है कि उसके परिणाम किस रूप में आते हैं, और व्यक्तिगत रूप से मोदी, अमित शाह वगैरह जितने, नड्डा जो भी है, ये सारे के सारे इस समय मतलब क्या होता है इसी प्रयास में है कि दक्षिण में अच्छी सफलता मिले, या नहीं तो कम से कम इतनी तो सफलता मिले कि जो मतलब क्या, जिससे बीजेपी में अगर उत्तर में कोई क्षति हो, पूरब में कोई क्षति हो, तो उसे भरपाई की जा सके। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, क्या अब ये रणनीति भी बननी शुरू हो जाएगी कि भाई अब राम मंदिर के नाम पर पूरा माहौल बनाकर रखना है? अरे सर, राम मंदिर के नाम पर हम माहौल क्यों बनाएंगे? राम तो इस देश की आस्था का केंद्र है, राम तो जनमानस का केंद्र है, राम के नाम पर तो जनता उमड़ रही है, हम क्यों माहौल बनाएंगे? मैं जो देश के करोड़ों लोग हैं, काशी हो गया, ज्ञान व्यापी का केस चल रहा है, तो मैं ये कहूं कि मथुरा को लेकर माहौल बनाया जाएगा? देखिए, ये बात सही है कि इस देश में 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया,
बाद में जब देश आजाद हुआ तो जो सरकारें यहां पर आई उन्होंने इस मंदिर को नहीं बनने दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भव्य मंदिर बन रहा है और उसके पक्ष में पूरे देश की जनता है और पूरे देश का माहौल है, तो इसमें किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये काशी का जो स्वरूप बदला, जो उज्जैन का स्वरूप बदला, जो बाबा केदारनाथ का स्वरूप बदला, वो किसी और सरकार में बदल सकता था। देश की जनता जानती नहीं क्या इस बात को? मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक लाइन में कहिए क्या कह रहे हैं, देश के आस्था केंद्रों को विकसित करना शुरू किया है, प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, एक लाइन में बोलिए क्या कह रहे हैं। भावनाएं थी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि राम मंदिर बन रहा है इसमें पूरे देशवासी एक साथ हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके निर्देश सोनिया गांधी जी ने राम राज्य की स्थापना जब होगी, गांधी जी ने किसानों को न्याय होगा, जब बेटियों को न्याय मिलेगा, सोनिया गांधी जी ने निमंत्रण स्वीकार किया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्मीकांत जी, आपका भी शुक्रिया। महेश जी आपका भी शुक्रिया। जंग बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली। नमस्कार।